तो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। आई नो कि आज आप सब अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्लास टेंथ का रिजल्ट आज आने वाला था, लेकिन रिजल्ट है कि आया ही नहीं। तो रिजल्ट क्यों नहीं आया और कब तक आएगा? बच्चों आपको पता है कि आपका रिजल्ट cbseresult.nic.in साइट पे अपलोड होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा हल्ला मच जाएगा। ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर की गई थी सीबीएसई के द्वारा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आखिर ये क्यों लेट हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि कम से कम 1 वीक से 10 डेज तक और डिले हो सकता है आपका रिजल्ट। बच्चों आपके रिजल्ट डिले होने के 2 रीज़न हैं। बच्चों हमने पहले भी बात की थी कि सीबीएसई का एग्ज़ाम और रिजल्ट की जो प्रोसेस होती है वो एक मल्टीटास्किंग इवेंट होती है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे सीधे वो प्रोसेस इफेक्टेड हो जाती है। आपको पता है कि लास्ट 2 वीक से हमारे कंट्री में किस तरह की सिचुएशन आई हैं। अग्निवीर और अग्निपथ से डायरेक्ट ट्रेन्स जली हैं और इसका सीधा इफेक्ट जो है इस प्रोसेस में पड़ा है। पेपर चेकिंग, रीचेकिंग, काउंटिंग, ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में हमारी जो कॉपीज होती है एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। ये पूरी प्रोसेस बच्चों इफेक्टेड हुई है जो लास्ट वीक जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी 8 से 10 दिन और लग सकते हैं। तो ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि कंटिन्यूसली पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल प्रिंसिपल, इन सब के द्वारा जो है सीबीएसई में दबाव बनाया गया था कि हमें वेटेज टर्म 1 का कम चाहिए है, टर्म 2 का ज़्यादा चाहिए है। लेकिन क्या वेटेज होना चाहिए इसके लिए भी सीबीएसई ने कोई डिसीशन अभी नहीं लिया है। तो बच्चों इन दोनों वजहों से जो है ना आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी रिजल्ट आएगा आपको आपके इंतजार का फल जरूर मिलेगा और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।